सेकेंड था इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम जहाँ पर एमएससी पीएचडी सी कोर्स वर्क एक साथ अटैच है जो सिक्स इयर्स एंड सेवन इयर्स का कोर्सवर्क है देन था पी प्रोग्राम जो फॉर जो था फॉर इंडियन स्टूडेंट्स एंड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ओके लेकिन इस साल टू थाउजेंड से टू ईयर्स एम प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है तो आइजर पुणे में टू ईयर्स एम प्रोग्राम जो न्यू कोर्स वाक लॉन्च किया जा रहा है ठीक है तो जो जो स्टूडेंट्स पहले बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट कर रहा था कि आ, हम इंटीग्रेटेड पी में ज्वाइन करना चाहते हैं आ, लेकिन एम uh, एस करने के बाद आइजर पुणे या फिर आइजर कोलकाता या फिर जो जो और भी आइजर्स था वो छोड़ सकता है कि नहीं तो हर टाइम मैं आंसर देता था ये डिपेंडिंग ऑन द इंस्टीट्यूट डिपेंडिंग ऑन द सुपरवाइजर क्योंकि वो किसी को पता नहीं होता कि इंटीग्रेटेड पी एच डी ज्वाइन करने के बाद छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है वो डिपेंड करता है सुपरवाइजर के ऊपर एंड इंस्टीट्यूट का रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर ठीक है लेकिन अभी बहुत सारा आइजर्स क्या करता है कि एम एस कंप्लीट करने के बाद नेट गेट का रैंक मांगता है फॉर परसुंग पी एच डी मतलब इंटीग्रेटेड पी एच डी से पी एच डी कन्वर्ट होने के लिए नेट या फिर गेट का रैंक मांगता है लेकिन ये सब साइड में रख के इस साल से आइजर पुणे ने टू ईर्स का एम प्रोग्राम स्टार्ट किया है जनरली जैसे आई एम एस प्रोग्राम होता है टू इयर्स का आई में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में स्टेट यूनिवर्सिटीज में एन में जैसे नॉर्मल पी एच एमएससी प्रोग्राम होता है ऐसे ही यहां पर होगा एंड यहां पर मेनली रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स वर्क रहेगा ठीक है ठेके? पहले से मैं पहले भी डिस्कस किया कि इस साल बहुत सारा रिसर्च इंस्टीट्यूट में एमएससी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है जैसे आइजर पुणे आइजर भोपाल आईआईसी आई सी बैंगलोर ये सारे इंस्टीट्यूट में बाकी सारे आईजर अभी देखते हैं क्या 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 होता है जैसे बहुत सारा आईजर जनरली स्टार्ट कर दिया पुणे भोपाल तो हो गया तो उसके बाद कोलकाता भी है मोहाली है ये सारे कोर्स मतलब आईजर स्टार्ट भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते आईजर ज़र में पहले से ही है मतलब पिछले साल से स्टार्ट हो गया था तो बहुत सारा रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कर रहा है कि इंटीग्रेटेडेड पीएचडी के साथ साथ एमएससी प्रोग्राम भी स्टार्ट कर रहा है क्योंकि एमएससी प्रोग्राम एक टू इयर्स का प्रोग्राम होता है जहाँ पर रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स वक ये इंक्लूड कर रहा है आई आई में जनरली एकेडमिक ओरिएंटेड थिंग्स होता है लेकिन ये सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे आइजर जे एन सी एस आर आई एस सी बैंगलोर यहाँ पर रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स वर्क होगा एंड ये एम एस सी प्रोग्राम करने के बाद फ़ॉरन पी एच डी मिलने का चांस बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर जॉब प्लेसमेंट बहुत कम होता है लेकिन फॉरन पी एच डी मिलने के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है बहुत ही एक अच्छा खासा कोर्स वर्क होता है एम प्रोग्राम फ्रॉम रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पर तुम्हें एडवांस लैब में काम करने का मौका मिलेगा टॉप प्रोफेसर के अंडर काम करने का मौका मिलेगा अच्छा रिसर्च ग्रुप मिलेगा उसके साथ साथ एडवांस प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिलेगा उसके बेसिस पे तुम्हारा रिसर्च प्रोजेक्ट एंड तुम्हारा प्रोफेसर का रिकमेंडेशन एंड इंस्टीट्यूट का टैग के बेसिस पे अब्रॉड में अच्छा पीएचडी भी मिल सकता है तो जो जो स्टूडेंट्स प्लेन एम करना चाहता था एंड अब्रॉड पीएचडी करना चाहता था उन सारे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है तो देखो यहाँ पर प्रोग्राम डिटेल्स में देखो बी एस प्रोग्राम है एम प्रोग्राम है इंटीग्रेट पी प्रोग्राम है पी प्रोग्राम है देन एक्सटर्नली फंडेड पी प्रोग्राम है इंटरनेशनल पी प्रोग्राम है तो हम देखेंगे एम प्रोग्राम के बारे में तो ये जो एम प्रोग्राम है एक न्यूली लॉन्च्ड कोर्स वर्क है फ्रॉम आइजर पुणे फॉर द एकेडमिक ईयर 2022 एंड ट्वेंटी इट इज एम्ड एट हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स विद बैचलर्स डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस हु आर इंटरेस्टेड इन एन इंटेंस इन डेप्थ एनक्वायरी इन स्पेशलाइज्ड एरियाज ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन, एज अवेलेबल इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन हाइजर पुणे ठीक है एंड उसके बाद जो हाइजर पुणे में और भी कोर्स वा के फाइव ईयर्स का बी एस एम ए सिक्स ईयर्स का इंटीग्रेट पी एच डी एंड इस साल से मास्टर्स जो डिग्री होगा टू ईयर्स का शॉर्ट पीरियड का टू ईयर्स का एक मास्टर्स प्रोग्राम विथ रिसर्च ने ब्लेंड कोर्स फोर सेमिस्टर्स। तो मतलब ये सकते हो कि जो चार सेमिस्टर होगा चार सेमिस्टर में से फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट टू सेमिस्टर अकेडमिक के ऊपर डिपेंडिंग रहेगा लास्ट जो दो सेमिस्टर होगा ये रिसर्च ओरिएटेड होगा मतलब यहाँ पर प्रोजेक्ट भी करने का मौका मिलेगा एंड समर में जो वैकेशन मिलेगा समर प्रोजेक्ट करने का चांस है ठीक है तो मान सकते हो कि यहाँ पर रिसर्च प्रोजेक्ट अच्छे से हो पाएगा फ्रॉम आइजर पुणे और आउटसाइड ऑफ आइजर पुणे ऑल्सो ठीक है तो क्रेडिट स्ट्रक्चर तो एमएससी में जो तुम्हारा कोर्स स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर कुछ क्रेडिट रहता है तो क्रेडिट का डिफरेंसिएट भी यहाँ पर कर दिया तो सेमिस्टर वन में तुम्हारा जो क्रेडिट रहेगा ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर क्रेडिट का सेमेस्टर टू भी ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर सेमेस्टर थ्री भी एंड सेमेस्टर फोर भी एंड सेमेस्टर टू के बाद टू मंथ्स का एक रिसर्च जो प्रोजेक्ट वगैरह होगा वहाँ पर सिक्स रिसर्च क्रेडिट रहेगा ठीक है रिसर्च क्रेडिट सिक्स रहेगा तो टोटल कितना क्रेडिट होगा फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर उसके बाद थर्ड फोर्थ सारे क्रेडिट रहेगा ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर के बीच में एंड मिडिल में सेकेंड सेमेस्टर के बाद जो समार्ट प्रोजेक्ट होगा तो उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा तुम्हारा सिक्स क्रेडिट का रिसर्च प्रोजेक्ट होगा ठीक है एंड यहाँ पर देख सकते हो कि बाकी सारे थिंग्स यहाँ पर मेंशन है कि जो समार्ट ट्रेनिंग होगा वो आउटसाइड ऑफ आइजर पुणे भी हो सकता है एंड इनसाइड ऑफ आइजर पुणे भी हो सकता है मतलब तुम आउटसाइड आइजर पुणे का डिपार्टमेंट से भी कर सकते हो समर प्रोजेक्ट ओके ओपनिंग्स यहाँ पर देखो ये जो एम प्रोग्राम है अभी तक मतलब इस साल ऑनली केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड आर्ट एंड क्लाइमेट साइंस के लिए स्टार्ट हुआ है केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड आर्ट एंड क्लाइमेट साइंस के लिए बाकी जो फिजिक्स एंड बायोलॉजिकल साइंस इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए अभी स्टार्ट नहीं हुआ नेक्स्ट ईयर से मे बी स्टार्ट हो जाएगा तो इस साल से ओनली केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड आर्थ एंड क्लाइमेट साइंस तो जो जो स्टूडेंट्स बैचलर्स किया है मैथमेटिक्स में केमिस्ट्री में या फिर जियोलॉजी में उन सारे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ठीक है एंड बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए जो इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम था उसमें अप्लाई कर सकते हैं तो टू ईर्यस प्रोग्राम ये तीन सब्जेक्ट के लिए है और भी डिटेल्स जानना चाहते हो तो अर्थ क्लाइमेट साइंस में जाकर केमिस्ट्री में क्लिक करके देखते हैं तो यहाँ पर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के डिटेल्स आ जाएगा यहाँ पर जाके तुम फैकल्टीज से कर सकते हो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के न्यूज़ वगैरह क्या क्या पब्लिकेशन क्या क्या रिसर्च एरियाज स्टूडेंट्स रिसर्च स्कॉलर कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब कुछ यहाँ पर मैंशन है ठीक है तो तुम चाहते हो तो यहाँ पर जाके क्लिक करके सारे थिंग्स देख सकते हो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर क्लिक करके भी या क्या क्या सिलेक्शन प्रोसीड्योर है यहाँ पर तुम्हें पता चल जाएगा तो जो सिलेक्शन प्रोसीडियर है सेम एज इंडिकेटेड पीएचडी प्रोग्राम तो इसके लिए क्या क्या होना चाहिए तुम्हारा जो बैचलर्स में कंप्लीट होना चाहिए या फिर फाइनल ईयर ऑफ बैचलर्स डिग्री होना चाहिए विद ए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड एंड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ जैम एन बी एच एम एग्जाम एकेडमिक परफॉर्मेंस इन बैचलर्स प्रोग्राम एंड अदर क्राइटेरिया सेट बाय द इंस्टीट्यूट प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स विल बी इन्वाइटेड टू अटेंड द इंटरव्यू एट आइजर पुणे दैट मीन्स तुम्हारा जो सिलेक्शन प्रोसीडियर होगा और डिपेंडिंग ऑन योर एकेडमिक रिजल्ट दैट मीस बी एस फाइनल ईयर में हो तो बी फाइनल ईयर तक जितना रिज़ल्ट है अदरवाइज बी एस पास आउट हो तो पास आउट का टोटल जो बी का रिज़ल्ट ओवरऑल उसके साथ तुम्हारा जो नेशनल लेवल एग्जाम जैसे जैम एन बी या फिर आ, और भी जो जो एग्जाम्स है उसके बेसिस पे तुम्हारा शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा देन तुम्हारा इंटरव्यू होगा यहाँ पर इंटरव्यू मोर देन वन राउंड भी हो सकता है जनरली दो राउंड इंटरव्यू होता है पहले एक शॉर्ट राउंड इंटरव्यू होता है उसमें से कुछ स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट लिस्ट किया जाता है देन उन शॉर्टलिस्टेड लिस्टेड स्टूडेंट्स का फिर से एक फाइनल राउंड इंटरव्यू होता है ठीक है तो ये मान सकते हो कि ये है अराउंड तुम्हारा मेन फंडा कि एकेडमिक रिकॉर्ड तुम्हारा जो नेशनल लेवल एग्जाम उसके बेसिस पर शॉर्टलिस्ट होगा देन जनरली दो राउंड इंटरव्यू होता है शॉर्टलिस्ट किया जाता है फिर से फाइनल राउंड इंटरव्यू होता है देन तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन होगा तो इंटीग्रेटेड पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए टेन थाउजेंड पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है लेकिन एमएससी स्टूडेंट्स के लिए कोई स्टाइपेंड नहीं होता तो यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट थिंग बताना चाहता हूँ कि जो एम प्रोग्राम होगा ये रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम है यहाँ पर ये मान सकते हो कि फर्स्ट ईयर जो होगा एकेडमिक बेसिस पे एंड सेकंड ईयर जो होगा रिसर्च रिलेटेड कोर्स वर्क होगा एंड रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा टाइम दिया जाएगा तो जो जो स्टूडेंट रिसर्च में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है एंड प्लेन टू ईयर्स का एम करना चाहते हैं तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर एम करने के बाद रिसर्च एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा क्योंकि एडवांस लैब मिलेगा एडवांस प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिलेगा एंड प्रोफेसर का रिकमेंडेशन के थ्रू अच्छा प्रोजेक्ट के थ्रू तुम एब्रॉड में अप्लाई कर सकते हो ठीक है जस्ट आइजर पुणे में नहीं आइजर भोपाल में भी आप तुम ज्वाइन कर सकते हो जे एन में ज्वाइन कर सकते हो आई बेंगलुरु में भी ज्वाइन कर सकते हो इसका एम प्रोग्राम ओवरऑल सेम टाइप का ही है रिसर्च बेस्ड एम प्रोग्राम यहाँ पर ये ये नहीं कि प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आई जैसा प्लेसमेंट नहीं होता लेकिन यहाँ पर रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स वर्क है तो एब्रॉड पी मिलने के लिए बहुत अच्छा चांस है सो दैट्स ऑल अभी इसका और कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया एप्लीकेशन फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं होगा फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं हुआ तो जब स्टार्ट होगा मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है अभी जस्ट मैं बताया कि आइजर पुणे की तरफ से एम एस प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है इस साल से टू ईयरस का एम प्रोग्राम जो जो स्टूडेंट सोच रहा था कि इंटीग्रेटेड पी तीन साल बाद छोड़ देंगे फिर एब्रॉड में अप्लाई करेंगे उनके लिए टू ईयर केम एमएससी प्रोग्राम आ गया कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर जस्ट प्रॉब्लम कि यहाँ पर कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगा एमएससी स्टूडेंट्स के लिए ठीक है इंटीग्रेटेड पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए टेन थाउजेंड पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा सो so दैट्स ऑल तो एमएससी प्रोग्राम जो होगा फॉर केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड आर्ट एंड फॉर आर्ट एंड क्लाइमेट साइंस ऐसे कुछ था तो आर्ट एंड क्लाइमेट साइंस तो ये तीन सब्जेक्ट के लिए लेकिन फिजिक्स एंड बायोलॉजिकल साइंस के लिए एमएससी प्रोग्राम नहीं है लेकिन इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम है सो दट्स ऑल सो इफ यू गट इन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो प्लीज इट द लाइक बटन एंड तुम्हारे फ्रेंड के साथ भी ये वीडियो शेयर कर दो ताकि उनको भी पता चले कि एम एस सी प्रोग्राम आइजरपुने के तरफ से भी लॉन्च किया जा रहा है इस साल से सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सी विन द नेक्स्ट वीडियो